फ्रेंड्स, सेल के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट रात को 2 बजे के आसपास आए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें तो अनुमानों को सामने कर रख कर देखें तो अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे आए। और इस पर कंपनी ने 1.80 रुपये पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुमानों को सामने रख कर अगर हम स्टैंड लोन रिजल्ट की बात करें तो जो पिछले साल 16,171 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी, वो बढ़कर 23,286 करोड़ आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 22,600 तक के रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन के फिगर का अनुमान था हमारे पास, जो एस्टिमेट था उसके मुताबिक। और यहाँ पर अनुमान से काफ़ी शानदार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पिछले साल 2725 करोड़ का प्रॉफिट था, वो यहाँ पर 3,180 करोड़ तक आने का अनुमान था, मगर वहाँ पर भी अनुमान से काफ़ी बेहतर फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार प्रॉफिट का फिगर 3,443 करोड़ पर आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुमान से अच्छा रेवेन्यू का फिगर भी है और अनुमान से अच्छा प्रॉफिट का फिगर भी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी अनुमान से काफ़ी शानदार आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो पिछले साल 6,970 करोड़ का एबिटा का फिगर था, वो घटकर 6,473 आया। और यहाँ पर फ्रेंड्स, 6,200 करोड़ से 6,500 करोड़ तक का एबिटा का फिगर आने का अनुमान था, तो यहाँ पर भी अनुमान के मुताबिक ही एबिटा का फिगर आया। तो ओवरऑल इस नतीजे का शेयर पर मुझे लगता है अच्छा खासा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा।